इस समय हम प्रसिद्ध झंडा मेला जो प्रत्येक वर्ष होली के 5 दिन के उपरांत देहरादून में मनाया जाता है पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि इस समय कितनी भीड़ यहां पर है और अभी लगभग 1.5 घंटा पूर्व झंडे जी को यहां पर चढ़ाया गया और ये सारी संगत यहां आ रखी है। ज्यादातर संगत जो है पंजाब से आती है, इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से भी संगत आती है और देहरादून के लोकल लोग भी यहां पर आते हैं। ये देव स्थान है, यहां की बहुत मान्यता है। लगभग 350 से 400 वर्ष पूर्व देहरादून की स्थापना गुरु राम राय साहब ने की थी, उन्हीं के नाम पर यह गुरुद्वारा है, उन्हीं के नाम पर यह डेरा है और इसलिए यहाँ प्रत्येक वर्ष झंडे जी को चढ़ाया जाता है। और जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं फोटो में, ये झंडे जी हैं जो दिखाई दे रहे हैं और इनकी ऊंचाई लगभग 90 फुट के करीब है, जिसे लोग स्वयं श्रद्धालु अपने कंधे पर रखकर लाते हैं और कहीं भी जमीन पर रखने नहीं देते और इसके बाद इनके वस्त्र शनील के ग्लाब वगैरह चढ़ाकर उनको यहाँ पर इस तरीके से चढ़ाया जाता है और इसके बाद विभिन्न स्थानों पर भंडारे, प्रसाद आदि का आयोजन होता है। ये जगह बहुत ही भव्य है, पीछे आप मेरे देख सकते हैं, ये वह स्थान है जो जहाँ पर वर्तमान में जो यहाँ के महंत जी हैं वो निवास करते हैं। यह महंत की प्रथा है और इस स्थान को उदासीन अखाड़ा जो कि बनारस में है उस ट्रस्ट के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। चारों तरफ बहुत भीड़ है, बाहर बहुत ज्यादा भीड़ थी वहां पर, इसलिए वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाया। अब मैं आपको उस हॉल की तरफ लेके चलता हूं जहां पर पुराने जितने भी गुरु हैं उनकी फोटो विद्यमान है, आप सब देखें और आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें मैं दूर से ही आपको दर्शन करा दूंगा, कृपया आप देखिए, ये वो हॉल है जिसमें सारे गुरुओं की फोटो लगी हुई है। बहुत ही सुंदर दृश्य इस समय यहाँ पर है। मेरे पीछे जो है गुरुद्वारे का मुख्य पोर्शन दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत ही सुंदर लाइटिंग और साज सज्जा की व्यवस्था की गई है और ये रास्ता इस तरफ जाता है, यहाँ पर महंत जी का निवास स्थान है। लेकिन इस समय चारों तरफ यहाँ पर संगत ही संगत है जैसा कि आप देख सकते हैं और भंडारे चल रहे हैं। बहुत ही दिव्य प्रांगण है, बहुत ही दिव्य दृश्य है, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यहाँ पर आया हूँ। इसलिए मैं सभी दोस्तों से ये कहना चाहूंगा कि सब लोग यहाँ पर एक बार जो देहरादून में रहते हैं अवश्य आए और आखिर में एक बात कहूंगा, झंडे जी महाराज की जय।